हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 7 से 6 का चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ सेंटर्स या फिर हेल्थ केयर सेंटर्स। गवर्नमेंट का किस तरीके से रूल होता है अपने हेल्थ को या पब्लिक की हेल्थ को किस तरीके से मॉनिटरिंग करना या उनको उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या कदम उठाना, किस तरीके से उनको बचा के रखना। क्योंकि देखो किसी भी देश के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, दो या से तीन फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है स्कूल, अगर वो बहुत मस्त चल रहे हैं ना, उसके बाद आता है आपका हॉस्पिटलाइजेशन। वो अगर बहुत मस्त चल रहे हैं ना, तो वो पूरा स्टेट एकदम परफेक्ट स्टेट बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके स्कूल्स परफेक्ट हैं, उसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन उसके परफेक्ट है। दूसरी जो लिविंग एरियाज है, उसके बारे में हमने पहले लास्ट चैप्टर में बात कर ली कि इक्वालिटी के कारण कहीं ना कहीं हम लोग उसमें बहुत डिफरेंशिएट हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, और जो बीच के लोग हैं वो ना गरीब बनना चाहते हैं ना अमीर बनना चाहते हैं, वो जहाँ पे हैं ना वहीं पर रहना चाहते हैं, राइट। तो सबकी अलग अलग डिमांड से सब अलग अलग ज़िंदगी जीते हैं। पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या है कि वॉट इज़ अ हेल्थ, राइट, कि वॉट इज़ अ हेल्थ, हेल्थ क्या होती है। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट का काम होता है वो इतना होता है, किसी भी इंजरीज को लेके, किसी भी इलनेस को लेके, कोई भी इंडियन सिटीज़न अगर वो उसके लायक है कि फ्री ट्रीटमेंट चाहिए या लो कॉस्ट में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, ये भारत सरकार का काम है। क्लियर? बहुत जगह पे हमने देखा है कि हॉस्पिटलाइजेशन को बहुत फ्रीली चलाने के लिए उन्हें बहुत सारी फ्री सुविधाएं दी जाती हैं। अब जो इंडियन हेल्थ केयर है, अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया के अंदर हम इतनी बातें क्यों करते हैं हेल्थ केयर के बारे में। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेडिकल कॉलेज इन वर्ल्ड। देखो एक चीज़ याद रखना कि इंडिया के अंदर 2 से 3 प्रोफेशन कन्फर्मली बहुत बैडली चलते हैं। अगर आप इन प्रोफेशंस में हो तो याद रखना आपकी ज़िंदगी तो चलेगी, पर आपको उसके अंदर बेस्ट दिखाना होगा अपने आप को। कौन कौन से? एक है इंजीनियर्स, लाखों करोड़ों की तादाद में इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। दूसरा प्रोफेशन है आपका मेडिकल। अब जो मेडिकल लाइन है ना, इसमें आप बेरोजगार नहीं बैठोगे, ये कन्फर्म है। अगर आपने बेरोजगारी के बारे में आपको दिमाग में आ रहा है तो आप इतना समझ लो कि आपने अगर मेडिकल किया है ना, अगर आपने MBBS किया है ना, या फिर आपने किसी भी मेडिकल कॉलेज से आपका सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट है आपके पास, और आपने सही से ढंग से पढ़ाई करके खाली पास भी हुए हो ना, तो भी इस दुनिया के अंदर आपको किसी भी जगह के अंदर हॉस्पिटल के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। आपका लिविंग चलता रहेगा, याद रखना। जो आपको एग्जिस्ट चाहिए ना कि आपकी ज़िंदगी चलती रहे, वो आपकी चलेगी किसके अंदर? मेडिकल लाइन के अंदर। तीसरी लाइन है आपकी गवर्नमेंट जॉब। समझ में आ गया? गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कौन करते हैं? जो आपके इंजीनियर्स होते हैं वो करते हैं, या फिर इंजीनियर नहीं होते जिसने आर्ट्स लिया होता वो करते हैं। ये दो कम्युनिटीज़ करती हैं, बट आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने बहुत बहुत कम देखा होगा कि जो डॉक्टर फील्ड के इंसान हैं वो कभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते हैं। उनको पता होता है कि उनको प्राइवेट सेक्टर में उतना पैसा मिल रहा है जितना उनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर नहीं मिलेगा, राइट। और मोस्ट ऑफ केस में ये होता है कि अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से अगर अपनी पास आउट किया हुआ है, तब आप टारगेट करते हो क्या, जिसको टारगेट करते हो कि मुझे किसी भी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर से पास आउट होकर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, या फिर कह रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मुझे अपना एडमिशन लेना है, या वहाँ पर जाकर मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि मैं उनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकूँ, उसके लिए एग्जाम देनी पड़ती है, अलग चीज़ है। सेकेंड कैटेगरी लोग आते हैं जो लोग प्राइवेट्स के अंदर MBBS करते हैं। अब जो इंसान प्राइवेट्स के अंदर MBBS कर रहा है वो ऑलरेडी लाखों लाखों रुपये, 50-50 लाख रुपये, 1-1 करोड़ रुपये डाल देता है। अब सिंपल सी बात, जो जिस इंसान ने ऑलरेडी करोड़ों रुपए डाल दिए, फूक दिए हैं अपनी डिग्री के लिए, अब वो इंसान ले दे के प्राइवेट जॉब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसको ले दे के वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि मैंने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब मुझे रिटर्न चाहिए। अब रिटर्न के लिए अगर मैं प्राइवेट जॉब करूँगा तो ही हो सकता है, अदरवाइज अगर मैं गवर्नमेंट करूँगा तो एक फिक्स इनकम आएगी हर महीने, और उस फिक्स इनकम से मैं कभी अपनी डिग्री के पैसे तक निकाल नहीं पाऊंगा। इसलिए मोस्ट ऑफ लोग प्रीफर करते हैं कि वो प्राइवेट जॉब करें मेडिकल फील्ड के अंदर, वो कभी गवर्नमेंट फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है, उनको वो क्लाइमेट नहीं मिल रहा है, राइट। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन हमने देखी है बहुत बार, ओके। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ द डॉक्टर, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर जाते हैं डॉक्टर्स।
इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पे हम लोग मेडिसिन को प्रोड्यूस करते हुए, हमारे पास लेबर वर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक चीज़ जो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स होते हैं वो सेटल्ड इन द अर्बन एरिया, राइट, मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज के अंदर आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, चाहे वो इंसान चाहे गरीब का बच्चा हो, अगर वो इंसान डॉक्टर बनता है ना, बहुत मेहनत करने के बाद डॉक्टर बनता भी है ना, तो वो अपना क्लिनिक शहर के अंदर ही खोलेगा, वो गांव में नहीं खोलेगा, ये कन्फर्म है, राइट, क्योंकि उसको भी ग्रोथ चाहिए होती है। इसलिए मुझे भी ग्रोथ चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, कि हर 5 लाख पब्लिक हर साल एवरी ईयर मरती है ट्यूबरकुलोसिस से, 2 मिलियन से ज़्यादा मलेरिया से मरती है एवरी ईयर। ये बहुत बड़ा एक कैसे आंकड़ा है, जिसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि इतने लोग इन चीज़ों से मरते हैं हर साल, राइट। ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी वो सिचुएशन होती है ना, कि जिसके अंदर हेल्थ केयर आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, आप उस चीज़ को कर नहीं पाते, उस चीज़ से आप लड़ नहीं पाते हो, राइट। जो इंडियन हेल्थ केयर सिचुएशन है ना, वो पैराडॉक्स सिचुएशन है, कि ये इतनी अनइक्वल है और अनइवन है कि भाई आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। पब्लिक के रिसोर्सेज के बारे में आप किसी को कुछ पढ़ी नहीं है, राइट। आप अगर वहाँ जाते हो, आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होता है तो आपके लिए डॉक्टर अच्छा है, अगर आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है तो आपको लगता है कि आप फ्री एग्जांपल देते हो कि ये दुनिया के अंदर ये सबसे वर्स्ट हॉस्पिटल, आप ये साबित करने में लगे रहते हो, राइट। आगे बात करते हैं प्राइवेट एंड द पब्लिक हेल्थ केयर। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब देखो, नॉर्मली ये दो कैटेगरी पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है, कौन सी, एक होती है पब्लिक सर्विस एंड एक होती है प्राइवेट हेल्थ सर्विस। जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है वो ड्यूरिंग द पूरे के पूरे ईयर्स टू ईयर्स चाहे कितनी भी सरकार आ जाए, कुछ भी हो जाए, पब्लिक हेल्थ सर्विस आर प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट्स, ओके, एंड द प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर रन बाय द प्राइवेट पर्सन्स एंड ओन बाय द प्राइवेट कंपनीज, और देयर ओनर्स विल बी द प्राइवेट पीपल्स हु डिड नॉट कैटेगरी और डिड नॉट कनेक्शन विद द गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स, ओके। वो अपनी खुद की अलग से हॉस्पिटल्स को रन करते हैं और उसका पूरा मैनेजमेंट खुद के हिसाब से होता है, उनकी सर्विसेज की हर एक सर्विसेज का उनको चार्ज होता है। अब वो चार्ज चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी सस्ता हो, ये प्राइवेट हॉस्पिटल खुद से डिसाइड करती है हमें क्या करना है। बट इन द सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस पब्लिक हेल्थ सर्विस है, उस कैटेगरी के अंदर एक चीज कंफर्म होती है, जिसको हम कहते हैं सिविल हॉस्पिटल्स, सरकारी सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इसके अंदर एक चीज़ होती है कि इनके इम्प्लॉयज गवर्नमेंट होते हैं, इसके अंदर जितना भी हेल्थ सेंटर होता है, जितना भी उनको हेल्थ केयर मिलता है, जितने भी उनको बजट प्रोवाइड किया जाता है, वो सब कौन प्रोवाइड करता है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अंदर प्राइवेट्स का कोई लेना देना नहीं होता है, राइट। और वहाँ पे एक चीज़ कंफर्म होती है, कुछ सर्विसेज फ्री में मिलती हैं और कुछ सर्विस के लिए आपको पेड करना पड़ता है, राइट, ओके। ये देखो आप लोग, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी कि आपको अगर आप ढंग से पढ़ पा रहे हो तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। जो पहला आपका दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है हाउ मच डज द ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑन एवरेज। अगर एक कॉस्ट की एवरेज अगर हम रूरल एरिया में देखें, तो आपको जो ग्रीन में दिख रहा है ना, ये आपका गवर्नमेंट का है, और जो आपको रेड में दिख रहा है ना, फिर ऑरेंज टाइप में, ये आपका प्राइवेट का है, राइट। देखो दिया हुआ बीचों बीच पब्लिक, ये दिख रहा है आपको, ये ब्राउन वाला, ये वाला, ये है आपका पब्लिक मतलब सिविल हॉस्पिटल, और ये आपको दिख रहा है रेड वाला, ये आपका ऑरेंज में, वो है प्राइवेट हेल्थ केयर। तो $88, राइट, $88 के अंदर अगर आपका गांव में कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, या फिर गांव के अंदर कोई एक सामाजिक कह लो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोटा सा खुला पड़ा है, राइट, तो उसके अंदर बहुत कम रेट के अंदर उस चीज़ का इलाज मिल जाएगा। कोई भी इलाज हो, एवरेज इतने पैसे पकड़ के चलो कि उतने पैसे में तो आपका ट्रीटमेंट हो ही जाएगा। बट अगर उसी जगह पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो $340 के आसपास आपको पे आउट देना पड़ेगा एवरेज, राइट। और अगर यही सिचुएशन अर्बन एरियाज के अंदर आती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स बड़े हो जाएंगे, अब हॉस्पिटल बड़े हो जाएंगे तो डॉक्टर्स भी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स आएंगे वहाँ पे, राइट। जब सिविल हॉस्पिटल्स बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे, वहाँ की सिचुएशन होगी वो डिफरेंशिएट होगी, वहाँ नर्स वगैरह सब लोग बड़ा ह्यूज स्टाफ होगा, तो उसके अंदर आपको खर्चा तो भी कितना करना पड़ेगा, $120।
कहाँ पे? एक बड़े से अर्बन एरियाज के अंदर, राइट। बट उसी अर्बन एरिया के अंदर अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसको कितना पे आउट है आपका एवरेज? $507, समझ रहे हो आप लोग? $507, मतलब कितना एक्सपेंसिव चीज़ होगी वो, बहुत एक्सपेंसिव। और ये जो जो ये जो जो रकम है ना, ये बहुत बड़ी रकम होती है। क्लियर। आगे है कि वेयर डज द ट्रीटमेंट टेक प्लेसेस। अब होता ये रूरल प्लेस हो चाहे अर्बन प्लेस हो, क्यों? ये मेंटालिटी है, ये एक टिपिकल मेंटालिटी है कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक ये सिविल हॉस्पिटल है और एक ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, दोनों का चार्ज अलग अलग है। यहाँ पे आपको एक दिन का देने ₹100 और प्राइवेट में देने आपको एक दिन के ₹1,000। दोनों में फैसिलिटी सेम होंगी, बस डॉक्टर डिफरेंशिएट होंगे, बस दोनों में डॉक्टर अलग अलग होंगे, राइट। मैं आपको बोलूँगा इसमें दोनों में सब कुछ सेम है। यहाँ पे जिस कंपनी का पंखा यूज़ किया जा रहा है उसी कंपनी का पंखा प्राइवेट में भी है। जिस बेड को यहाँ पे यूज़ किया गया वही सेम बेड यहाँ पे है। जिस जगह पे ये बेड है उसी जगह पे ये भी बेड है। दोनों का बेड का साइज़ भी सेम है, दोनों की सारी सुविधाएं भी सेम है। बस दोनों के अंदर एक चीज़ का डिफरेंशिएट है, वहाँ के नर्सेज और वहाँ का डॉक्टर स्टाफ डिफरेंशिएट है। मैं लिख के देता हूँ कि आप प्राइवेट के लिए पहले प्रीफर करोगे। क्यों? क्योंकि आप मेंटली रेडी हो, आपको पता है कि मेरे को प्राइवेट में जाने के बाद मेरी सिचुएशन से चाहे पैसे दे रहा हूँ उसके सामने, वो मुझे खड़ा कर देंगे, फिर मेरे लिए वो लोग मेहनत करेंगे मुझे अच्छे से ट्रीट करने में, राइट। और प्राइवेट में क्या होता है कि आपको उस चीज़ के लिए सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई चलो कहीं ना कहीं मैं अच्छी जगह पे, मैं रेप्यूटेड हॉस्पिटल के अंदर हूँ। गवर्नमेंट में क्या होता है, सपोजिट कि आप गए और उसी दिन डॉक्टर को चला गया छुट्टी के अंदर, तो अब दूसरा डॉक्टर आएगा आपको देखेगा, तब तक आप रहे ना रहे, आपके घर में से कोई मेंबर रहा ना रहा, कोई इक्वालिटी मिली ना मिली, तो प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में रेडी होता है कि अगर मैं निकला दूसरा डॉक्टर स्टैंड बाई पर रेडी बैठेगा, अगर वो नहीं है तो तीसरा, वो नहीं है तो चौथा। इनडायरेक्टली प्राइवेट्स के अंदर आप पैसा फूको, आपके लिए वो ऊपर से हर एक चीज़ मंगवा देंगे। आप बोलोगे ना कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर भी चाहिए, उनके कॉन्टैक्ट होंगे, वो बुला लेंगे, समझ रहे हो? ये जो स्टेज आपको दिख रहा है ना, ये डिफरेंशिएट यही करता है कि चाहे अमीर इंसान हो, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, रूरल एरिया के अंदर भी 72% पब्लिक ऐसी है जो हेल्थ केयर के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को ज़्यादा प्रीफर करती है, और अर्बन एरियाज के अंदर 79% पब्लिक ऐसी है जो प्रीफर करती है किसके अंदर? प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रीटमेंट करवाना, राइट। तो ये एक डिफरेंशिएट है और ये आपको डिफरेंशिएट ज़िंदगी भर याद रखना है। आगे बात करते हैं हेल्थ केयर एंड द इक्वालिटी। अब देखो हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ लिया है तो आपको यहाँ पे फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब होता क्या है कि इन प्राइवेट सर्विसेज, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज है वो इंश्योर करते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। और तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वो उनका प्राइवेट चीज़ें आ जाती हैं, राइट, कि जो प्राइवेट सर्विस होती हैं वो हाईली पेड होती हैं और वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होती है, इसलिए वो लोग हमेशा पब्लिक हेल्थ केयर में जाते हैं, फिर सिविल हॉस्पिटल में जाके अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्लियर। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा एक रेशियो आता है जिसके अंदर ये साबित किया गया था, पब्लिक के द्वारा ये साबित किया गया था कि 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कांट अफोर्ड टू टेक अ ट्रीटमेंट इन द प्राइवेट सेक्शन हॉस्पिटल्स, कि 20% लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं कि जो अनएथिकली प्रैक्टिस्ड होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं जा पाते, वो उनकी कॉस्ट को अफोर्डेबल नहीं है और वो लोग हमेशा से सिविल हॉस्पिटल का प्रिफरेबल ज़्यादा करते हैं, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग कि जो क्वालिटीज ऑफ द हेल्थ केयर है, जो कह लो कि ऐसी जो क्वालिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट को द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो स्पेशली डिसएडवांटेजेस फॉर द एडवांटेजेस पीपल्स के लिए हैं, कि जिन लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं हैं, वो इतनी पैसे अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं, वही लोग जाके उस जगह पे अपने लिए ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ करवा सकते हैं। आपको साइड में एक फ़ोटो दिख रहा होगा अभी इक्वालिटी के बारे में, कि देखो वहाँ पे एक छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, जब तक उनके पास सुविधाएं अवेलेबल्स नहीं थी तब तक वो सब लोग लाइन में ट्रीट हो रहे थे, दिख रहा है आपको? उसके बाद में
जब उनको उनकी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया, उनके अकॉर्डिंग उसको फैसिलिटीज़ मिली, तो वो सब के सब अब इक्वल ट्रीट हो रहे हैं, राइट। ये सिचुएशन होती है। आगे ये बात करते हैं कि 1966 में सबसे पहले केरला ने अपने अपने बजट को डिसेंट्रलाइज किया, ठीक है, और बजट को पंचायत तक, पंचायत लेवल तक उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। कोई भी दूसरी गवर्नमेंट इतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है। आपको चाहे आप पूरे अंदर रिसर्च करके देख लो, आप अभी भी सबसे पहले 1996 के अंदर सबसे पहले केरला ने किया था कि उसने अपने बजट को ऊपर से लेके, मतलब स्टेट लेवल से लेके, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके, तालुका से लेके, उसने लास्ट में एक गांव की पंचायत तक को हेल्थ बजट में इंक्लूड कर दिया। क्यों? होता ये था कि अगर केरला के अंदर आज भी ऐसा है, जब कोरोना आया था तब साउथ के आप कोई भी पार्ट देख लो, हाँ ये बात कन्फर्म है कि सबसे पहला कोरोना का केस साउथ इंडिया के अंदर किसी एक कंट्री सॉरी किसी एक स्टेट के अंदर आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, फिर तमिलनाडु या फिर केरला में, दोनों में से किसी एक स्टेट के अंदर आया था। बट अब एक चीज़ याद रखो, उनका जो डॉक्टर लेवल है या उनका जो कॉलेज सिस्टम या कह लो उनका जो हॉस्पिटल सिस्टम है, ये इतना सिक्योर है, इतना जोरदार है कि वहाँ पर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई थी जैसी बाकी स्टेट्स में हुई थी, राइट। अगर आपको अभी भी रिसर्च करना है तो आप रिसर्च कर सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट वेल यू गेट इन, कि आपको कहीं पे बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको साउथ में आपको वो हॉस्पिटल के नाम मिलेंगे जहाँ पे आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, वो भी लो कॉस्ट में, राइट। आगे बात करते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे परफेक्ट हेल्थ केयर के नाम पे सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलता है वो कोस्टा रिका का है। अब जो कोस्टा रिका कहाँ पे है, तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप देख लो एक बता है, वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग साउथ नॉर्थन और साउथन अमेरिका के बीच में है, यहाँ पे कोस्टा रिका है इस साइड। अब ये फोटो देखो फिर से आप लोग, इसके अंदर आपको कुछ अकल में आएगा कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका ऊपर जो कैनेडा यूएस मेक्सिको वाला जो पार्ट है वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका पार्ट है, इसके नीचे आपका जो करेबियन वाला पार्ट है, करेबियन सी के नीचे वाला पार्ट है वो आपका साउथ अमेरिका, और इसके बीच में एक छोटा सा शहर है जिसको हम कहते हैं कोस्टा रिका, ठीक है, ये उसका फ्लैग है। ओके, हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, अब उसका हम एग्जांपल समझते हैं यहाँ से। ये हम लोगों ने देखा है कि जो कोस्टा रिका है वो वन ऑफ द ऐसा कंट्री था जिसके पास इतनी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें या फिर इतना ज़्यादा गुड कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं देगी जिसके बारे में वो पूरी की पूरी ज़िंदगी जी सकता था। बस उसने अपने वर्ल्थ अपने हेल्थ केयर को इतना इम्प्रूव किया कि 1920 तक जो रेशियो 40 इयर्स था, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 40 इयर्स थी, मतलब अगर एक इंसान एवरेज 40 साल तक 40 साल तक ही जिंदा रह पाता था, एवरेज था कि वो वहाँ तक जिया, फिर लगभग वो मर जाता था, राइट। अब उसके ऊपर इन्होंने इतना वर्कआउट किया कि 2019 के अंदर का रिपोर्ट है ये, मतलब आज से 2-3 साल पहले का रिपोर्ट है कि 2019 तक इन्होंने अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जो 40 साल थी उसको डबल करके 80 साल तक बच्चों को पैदा, मतलब सॉरी 80 साल तक लोगों को जिंदा रखना सिखा दिया। इतना गुड उनका हेल्थ इन्वायरमेंट, उन्होंने हेल्थ सेंटर्स, अपने हॉस्पिटल्स को इतना सिक्योरली ऑपरेट किया, अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आए, फ्री हॉस्पिटल्स, फ्री सुविधाएं, फ्री मेडिकल चेकअप्स वगैरह, टाइम टू टाइम उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करना, फ्री सर्विसेज देना, ये इतना अच्छे से प्रोवाइड किया कि कोस्टा रिका का नाम बेस्ट वन ऑफ द हेल्थ सेंटर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सर्विस में उनका आज भी नाम आता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि हेल्थ केयर का मेन काम क्या होगा, कि अच्छे अच्छे से मतलब पॉल्यूशन फ्री वाटर क्लीन रखना, अफोर्डेबल हेल्थ के सर्विसेज को देना, ये सब कुछ उनका नॉर्मल काम होता है। बाकी ये सब आपको मैंने आपको बता दिया पहले ही कि भाई किस तरीके से ये सब कुछ चलता है। दूसरी एक चीज़ थी जो आपको याद रखनी होगी कि मेडिकल टूरिज्म कम अवर कंट्री फॉर द ट्रीटमेंट एज द रीजनेबल कॉस्ट। होता ये है कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने सारे जो लार्ज प्रोडक्शन के रूप में लोग रहते हैं ना, ये वन ऑफ द रीज़न है कि यहाँ इंडिया के अंदर हर एक सर्विस के बारे में या हर एक सर्विस का चार्ज बाहर के देशों में कम है, राइट। मैं आपको खुद बोलता हूँ कि अगर किसी भी जगह पे डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो, राइट, सपोज़ कि अगर इस देश के अंदर आपको पता होगा अगर हर एक इंसान डॉक्टर बन जाएगा, तो होगा क्या, तो जो बीमार पड़ेगा वो खुद की ट्रीटमेंट खुद से कर लेगा। मैं बोलता हूँ इस देश के अंदर 70% सब डॉक्टर बन गए, तो जो 30% प्रजा है ना उनके लिए मेडिकल सर्विसेज ये समझ लो हाउ बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। क्यों होगा ये कि अगर वो लोग बोलेंगे कि चलो भाई आपका अगर पाँव टूटा है उसका चार्ज एक हॉस्पिटल में लाख रुपए,
उसके साथ की दूसरी हॉस्पिटल है वो बोलेगी हम लोग आपको 70,000 डाल देंगे, अब यहाँ पे हमारे पास ट्रीटमेंट करवा लो। उसके साइड में तीसरी हॉस्पिटल होगी वो बोलेगी हम 50 में डाल देंगे। उसके साइड में और सरकारी कॉलेज आ जाएगी, सरकारी बोलेगी हम लोग आपको 40 में कर देंगे। उसके साथ में वो गाँव की जो सरकारी हॉस्पिटल होगी वो बोले हम आपको 20 में कर देंगे, राइट। तो कहाँ 1,00,000 रुपये और कहाँ 20,000 रुपये। तो ये सिचुएशन होती है हमेशा कि यहाँ पे लोग ट्रीटमेंट के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे रीजनेबल कॉस्ट में हर एक चीज़ बेस्ट क्वालिटी की मिल जाती है आपको, इसलिए ओके आके। यूजुअली क्या होता है कि भाई जो विलेज एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत कम लोग डॉक्टर्स के रूप में एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफली वर्कर्स और नर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा उनको वहाँ पे डीलिंग करती है क्योंकि वहाँ पे कॉमन चीज़ें इलनेस कॉमन चीज़ों की प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा तक ना नर्सेज को ज़्यादा प्रिफरेबल किया जाता है और उनको लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तब जाके वो प्रीफर करते हैं कि भाई आप लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके अपना सुपरविजन दिला दो या फिर आप लोग सीधा सीधा बड़े सिटी के अंदर बिग सिटी के अंदर जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ जल्दी से जल्दी, राइट ओके। आगे बात करते हैं कि रूरल एरिया के अंदर जो मेडिकल शॉप्स या फिर हॉस्पिटल्स को आपने ओपन करना होता है तो आपको ओपन करना होता है रजिस्ट्रेटेड मेडिकल प्रोसेसिंग के अंदर, आपको उन चीज़ों को ओपन करना होता है, इनके अलावा आप उसको ओपन नहीं कर सकते हो। इनके पास से आपको क्लैरिफिकेशन लेना पड़ता है। ये लोग लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स के अंदर सीन्स करते हैं, याद रखना इनका मेन काम क्या होता है कि ये लोग हॉस्पिटल ओपन करते हैं और जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होते हैं ये वर्कआउट करते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स बॉडी और एक गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, क्लियर। इनके अंदर जितने भी लोगों का रिक्रूटमेंट होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, इनके पास गवर्नमेंट इनको सर्विस के प्रोवाइड्स का पैसा देती है, क्लियर ओके। आगे बात करते हैं कि इंडिया हैज़ फाउंड दैट 40% ऑफ द पीपल हैज़ बीन एडमिटेड दैट द दे हैज़ बीन कॉस्टिंग फॉर द कुछ चीज़ें। ऐसा होता है ना किसी इंसान को कोरोना के टाइम पे हमने सिचुएशन देख ली थी कि लोगों के पास पैसा तो था पर लोगों के पास जगह नहीं थी, राइट। और उसके पहले सिचुएशन ऐसी थी कि भाई लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए होती थी, सपोज से किसी इंसान को एक बेड चाहिए, अब उस इंसान को लोकल गवर्नमेंट्स में कहीं पर बेड नहीं मिल रहा है, राइट। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर उसको बेड नहीं मिल रहा है। होता ये है कि वो इंसान जाता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, वो वहाँ जाके जब वहाँ पे अंदर घुसता है तो वो अपनी चीज़ें कुछ चीज़ें गिरवी रख के या कुछ चीज़ें बेच के अपना ट्रीटमेंट करवाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कितना करने के बाद आपका जो साथ में इंसान है वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा वो नहीं पता होता। बट एक चीज़ कॉमन होती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो लोग के साथ अच्छे से ट्रीटमेंट मिलना उनको कोई इश्योरिटी नहीं होती है, ओके ओके। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, कोस्टल रीजन के बारे में बता दिया आपको मैंने पूरा पूरा आप। हाँ, ये कुछ आपके जो मोस्ट ऑफ जो पॉइंट थे आपके ये आपको पता चल चुके होंगे अभी तक। सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, मेडिकल टूरिज्म के बाद में कॉमर्शियल डिसीज के बारे में, प्राइवेट्स के बारे में, पब्लिक के बारे में, ओपीडी के बारे में, उसके बाद मैंने आरपीएम्स के बारे में समझ लिया कि किस तरीके से उनका मेन काम क्या होता है कि रूरल एरिया के अंदर हॉस्पिटल्स को ओपन करवाना और उनके साथ अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिले, वो आपके वो मेन फोकस होता है। ओके डन, आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।